जुनून में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मौजूद है महाराजगंज जिला के संयुक्त जिला अस्पताल पे। हमारे बीच एक ऐसा मामला आया है जिसको लेकर के इनके परिजन जो है काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इस जिला कारागार में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया था जिला प्रशासन के द्वारा, जिसके बाद वो कई वर्षों से इस महाराजगंज के जनपद के जेल में गिरफ्तार करके उनको रखा गया था। परिजनों का आरोप है कुछ दिन पूर्व उनका तबियत खराब होता है और जिसके बाद परिजनों को सूचना दी जाती है। परिजनों को सूचना देने के बाद परिजन मौके पर जिला अस्पताल पर पहुंचते हैं और इसी जिला अस्पताल में यही उस कैदी को इलाज कराने के लिए लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा आया गया है, लेकिन किसी कारणवश उस कैदी का यहाँ पे मृत्यु हो गई, जिसको लेकर के परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हम आइए बातचीत करेंगे उनके परिजन है। क्या नाम है आपका? राम सवारे। ये जिनकी मृत्यु हुई आपके कौन थे? भाई साहब। क्या हुआ, इनकी मृत्यु कैसे हुई है? इनकी मृत्यु जेल में तबियत खराब हुआ था आज के 20 दिन पहले। वो कह रहे हैं कि यहाँ इलाज हो। हमको 4 दिन पहले भाई साहब हमारे पास फोन किए थे, कह रहे हैं मेरे पे मेरा सांस बहुत ज्यादा फूल रहा है और मुझे खांसी बहुत तेज आ रहा है। उसके बाद हम कहे ठीक है, हम बाहर से दवा खरीद के भेजवा देते हैं। दवा खरीद के भेजवाए, उसके बाद कल फिर सूचना आ गया कि आपके भाई साहब को टीबी हो गया है। हमको जिला अस्पताल से डॉक्टर साहब फोन किए कि आपके भाई हैं रामसजन, हम कहे सर हमारे भाई हैं, कह रहे उनको टीबी हो गया। आज जिला जेल से लोग लेके आए थे इलाज कराने के लिए, डॉक्टर साहब कहे कि यहाँ ज्यादा हालत खराब है, इसको हम रेफर कर दे रहे हैं। हम कहे सर ठीक है, रेफर कर दीजिए, हम मेडिकल ले चले जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर साहब रेफर कर दिए। जेल प्रशासन ने 2 घंटे तक न कोई कागज दिया, न कोई एम्बुलेंस मुहैया कराया, न कोई हमारी मदद की, लेके बैठे रहे। हमने कहते रह गए, जेलर साहब को फोन किया कि मैंने फोन उठा लें, लेकिन जेलर साहब भी नहीं फोन उठाए। और एक राजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, उनके पास फोन किए, वो भी फोन उठाए, लेकिन कह रहे हैं यार व्यवस्था कर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हो तुम लोग। हमने कहा सर बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन वो हमारे बात को ध्यान नहीं दिए, कह रहे हैं कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ज्यादा लापरवाही है जेलर साहब की, उनके स्टाफ की। आपके भाई की मौत कहाँ हुई? हमारे भाई साहब की मौत हुई है जिला अस्पताल पे। ठीक है, जिला अस्पताल के द्वारा एम्बुलेंस की जो सेवा थी वो मुहैया नहीं करवाई गई थी आपको? मुहैया कराई गई थी, बहुत जब सीरियस खत्म हो गए तब मुहैया कराया गया। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? किसके लापरवाही के कारण आपके भाई की जान? हम लापरवाही जेलर साहब की मानते हैं, जेलर साहब की स्टाफ की लापरवाही मानते हैं। यहाँ के डॉक्टरों का क्या कहना था? डॉक्टर साहब तुरंत रेफर कर दिए, कहे कि इसका हालत ठीक नहीं है, आप मेडिकल लेके चले जाइए। ठीक, रेफर करने के बाद उसके बाद क्या हुआ आप लोगों के साथ? सीधे हम लोग को चुप कराया जा रहा था कि आप लोग बैठिए, बिना कागज कार्रवाई के हम नहीं ले जाएंगे, बिना कागज कार्रवाई नहीं ले जाएंगे। ये उक्त बातें कौन कह रहे थे? वो बोल रहे थे राजेंद्र प्रसाद यादव जी, जो जिला अस्पताल के जिला जेल का वो है स्टाफ है। इससे पूर्व भी आपके भाई की तबीयत खराब हुई थी जेल में? हाँ, फालिस मारा था। इनको आजीवन कारावास कब सुनाई गई? इनके आजीवन कारावास सुनाया गया था 4/2022 को। किस केस में इनको ये सजा सुनाई गई? इनको सजा दूध में सुनाया गया था। तो हमारे साथ जिनकी मौत हुई उनके भाई थे, इनका साफ तौर पे यह आरोप है कि इनके भाई के मौत का जो कारण है वो यहाँ के जिला प्रशासन, जिला कारागार के जो जेलर है उनका, इनका यह भी आरोप है कि यहाँ स्थानीय डॉक्टर के द्वारा रेफर कर दिया गया था, ये कह करके कि इनके भाई का स्वास्थ्य जो है बेहद ही खराब है। रेफर करने के बावजूद इनका आरोप है कि जिला प्रशासन के जो भी जिम्मेदार कैदी के साथ यहाँ आए हुए थे उन्होंने लगातार उनको रोक के रखा और ये हवाला देते रहे कि कागजी कार्रवाई की जाएगी। कागजी कार्रवाई करने के बाद इनको यहाँ से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए लेकर के जाया गया है, जबकि इनका आरोप यह भी है कि उसी विलंबता के कारण, उसी लोगों के विलंब करने से, देरी करने की वजह से इनके भाई की मौत हुई है।